परमेश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। यह नरेश बाबू सरकारी अफसर और रिश्वतखोर भी, लेकिन इनका रिश्वत लेने का तरीका बहुत बढ़िया है, पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। देखिए इनकी लाइफ कैसे पैसा ही पैसा है, लेकिन कब तक? हेलो, हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ जी आपका काम हो जाएगा। हाँ बस वो टिफिन पहुंचा देना। ठीक ठीक। क्या हाल है सुखराम? नमस्ते सर, और कैसे हैं? सब बढ़िया। आपका टिफिन रेडी है। ठीक है जी, गुड, ये लो। थैंक यू जी। मैं सुखराम। हाँ सुखराम बोलो। साहब टिफिन मिल गया। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर। बट सर, क्या आपको डर नहीं लगता भगवान से ऐसा काम करते हुए? आपका काम हो गया ना, जाइए। ठीक है हाँ जी जी, आपका भी काम हो जाएगा। हाँ बस वो टिफिन पहुंचा देना। सुनो। देखो, अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तुम ये टिफिन विफिन खाना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सुन रहे हो ना? ठीक है। क्या करूं इनका? माँ। हाँ बेटा। पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका एक आंख पूरी तरह से फूट गया है। उफ। इतना सब कुछ हो गया, अभी भी पैसा पैसा सोच रहे हो? तो और मैं क्या करूं? चलो बापू से पूछते हैं। आदमी रिश्वत क्यों लेता है? जब पहली बार वो रिश्वत लेता है तब उसकी मजबूरी होती है, उसे उसकी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। लेकिन दूसरी, तीसरी या चौथी रिश्वत उसकी आदत बन जाती है। कानून में बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, पहली गलती भगवान भी माफ कर देता है, भले कानून आपको सजा ना दे।
क्योंकि सबूत नहीं है, लेकिन बुरे कर्मों की सजा भगवान जरूर देता है, उससे आप बच नहीं सकते। याद रखें, ऐसे पाप यानी कर्म रोग के लिए कोई डॉक्टर, कोई दवाई या कोई अस्पताल नहीं है। आप अस्पताल जाओगे, दवाई भी खाओगे, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे। सिर्फ रिश्वत नहीं, कोई भी गलत काम जिसे हम पाप कहते हैं, उसकी सजा मिलेगी जरूर। सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। इट इज नेवर टू लेट। पाप यानी बुरे कर्मों की सजा देने के लिए इस धरती पे दो जगह बनी है, एक अस्पताल जहाँ डॉक्टर के हाथों आपको सजा मिलती है, दूसरी कोर्ट कचहरी जहाँ वकीलों के हाथों आपको सजा मिलती है। इसलिए प्रार्थना करें, भगवान बचाए इन डॉक्टरों से और वकीलों से।